नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज के बारे में। तो आज की इस वीडियो में आपकी हरतालिका तीज से जुड़ी तिथि के बारे में कन्फ्यूजन दूर करने आई हूँ, और साथ ही साथ वीडियो में हम जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व भी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म में हर तीज त्यौहार का अपना अलग महत्व होता है, और हर त्यौहार और त्यौहार किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है, और कुछ व्रत सिर्फ सुहागिन महिलाओं के लिए खास होते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए ऐसा ही एक व्रत हरतालिका तीज है, और धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की दीर्घायु और सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आइए जानते हैं कि भादो मास में पड़ने वाली हरतालिका तीज की सही तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरतालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाएगी, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी कि 30 अगस्त मंगलवार को पड़ रही है, और ऐसे में हरतालिका तीज इसी दिन मनाई जाएगी। और हरतालिका तीज के लिए तृतीय तिथि आरंभ 29 अगस्त सोमवार को शाम 3:21 से हो रहा है, और हरतालिका तीज के लिए तृतीय तिथि की समाप्ति 30 अगस्त मंगलवार को शाम 3:34 पर होगी। और उदय तिथि की मान्यता के अनुसार इस बार हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा। और हरतालिका तीज के दिन सुबह की पूजा के लिए सुबह 9:33 से 11:05 तक का समय शुभ माना जा रहा है, और शाम की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 3:49 से रात के 7:23 तक का समय उत्तम रहेगा। और प्रदोष काल में हरतालिका तीज की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:34 से रात के 8:50 तक है। तो ये तो बात हो गई शुभ मुहूर्त के बारे में, अब हम बात कर लेते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। तो इस दिन प्रातः जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें, और संभव हो तो मिट्टी से भगवान गणेश, शिव जी और माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं। इसके बाद भगवान शिव को गंगा जल, दही, दूध, शहद आदि से स्नान कराएं, और उन्हें फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाएं। और इसके बाद माता पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करें, और सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को सोलह श्रृंगार चढ़ाएं। और कहा जाता है कि इससे पूजा का संपूर्ण फल मिलता है, और पूजा के बाद हरतालिका तीज की कथा सुनें और आरती करें। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हरतालिका तीज के महत्व के बारे में। तो हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं, और धार्मिक मान्यता है कि हरतालिका तीज के व्रत के प्रभाव से सौभाग्य प्राप्त होता है, और साथ ही व्रती की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और वहीं हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याएं मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं, और व्रत के दौरान महिलाएं पानी भी नहीं पीती हैं, और इस दौरान माता पार्वती और शिव जी की पूजा करती हैं। और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पार्वती ने शिव जी का पूजन करके उन्हें पुनः प्राप्त किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेगा। मिलते हैं ऐसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।